वास्तव में गरीब मरीजों के लिए धरती के भगवान है डॉक्टर आर के पटेल। गरीबों के पास पैसा न रहने पर वे करती हैं उनका मुफ्त में इलाज। उनके ब्लैक फंगस व डेल्टा प्लस जैसे रोगों के बारे में की गई बातचीत। भदोही चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो चिकित्सा को पेशा बनाकर सभी चिकित्सकों को बदनाम कर दिए। लेकिन भदोही के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर के पटेल सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि सही मायने में धरती के भगवान है। उनके हॉस्पिटल में आने वाला कोई भी मरीज हो, वह चाहे अमीर हो या फिर गरीब, सभी को एक समान देखते हैं। सभी के पास पहुंचकर उनका हाल चाल लेते हैं। यही नहीं, अगर कोई गरीब मरीज है और उसके पास पैसों का अभाव है तो वे ऐसे मरीजों को निःशुल्क इलाज करते हैं। वहीं वे प्रतिदिन अपने चैम्बर में बैठकर गरीब मरीजों के बिल को माफ करते रहते हैं। इस दरमियान उनके ब्लैक फंगस व डेल्टा प्लस जैसे संक्रमण के बारे में बातचीत की गई, जिस पर उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस एक तरह का खतरनाक फंगस है। यह कोरोना से रिकवर हुए लोगों में तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे मरीजों को कुछ ऐसी दवाएं दी जाती है, उनमें इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस फेफड़ों को कमजोर कर देता है, वहीं डेल्टा प्लस भी खतरनाक है। डॉक्टर पटेल ने कहा कि इन बीमारियों से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि मास्क लगाएं और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। इस तरह की बीमारियां नाक और मुंह में से फैलती हैं। सर, आज हम आपके पास इसलिए बैठे हैं कि ब्लैक फंगस क्या है, इस बीमारी से कैसे लोगों को बचना चाहिए। ब्लैक फंगस एक सामान्य रूप से पाया जाने वाला फंगस है, जिसे कि आप अपने जीवन में कभी कोई ब्रेड फेंक दिए हों, हल्का सा गिली हो, या रोटी का टुकड़ा रख दिए हों, तो उस पर सफ़ेद काले रंग का रुई के जैसा फाहा जम जाता है, वही वो ब्लैक फंगस है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसा कि इस समय पे कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें इलाज के बाद स्टेरॉयड और बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी यूज होती हैं, और कुछ जो कि पहले से डायबिटीज, कैंसर आदि बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो सामान्यतः ये पाया जाना, हवा में पाया जाने वाला स्पोर है, जो आपके सांस से मुंह के रास्ते से नाक में जाता है, वहाँ पे ये इन्फेक्शन काज करता है। जैसे ब्लैक फंगस के बाद अब डेल्टा प्लस क्या है, इससे भी कुछ बीमारी फैल रही है क्या है? ये जो वायरस है, ये अपना स्वरूप बदलता रहता है, एक नया म्यूटेशन है ये, और इसे अत्यंत घातक बताया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के बगल से गुजर जाए और वो मास्क नहीं लगाया है तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, और ये फेफड़े पे ज़्यादा असर कर रहा है। ये आपके कहने के मुताबिक जो लोग कमज़ोर हैं शरीर से या दिल से, जिनका दिल से कमज़ोर नहीं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उन्हें ब्लैक फंगस होने का खतरा है। बचे कैसे सर इससे? बस 2 गज की दूरी और मास्क से जरूरी है। स्टार 7 टीवी न्यूज के लिए ओबेदुल्ला असरी की रिपोर्ट।